गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में समाजवादी कलर में शौचालय को रंग देने से विवाद हो गया है। शौचालय में समाजवादी कलर को देखकर पार्टी कार्यकर्ता भड़क उठे, इसे लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध करने लगे हैं और मौके पर जाकर उन्होंने कालिख भी पोत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश और देश में बनी है, तब से ये लोग केवल द्वेष भावना से काम करते हैं। जो प्रति विपक्ष के लोग हैं उनको ये समाप्त करना चाहते हैं, बिना विपक्ष के रहना चाहते हैं। आज गोरखपुर जिले में जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, रेलवे हॉस्पिटल के टॉयलेट को समाजवादी झंडे के कलर में रंगा गया है। समाजवादी पार्टी लाखों करोड़ों लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई है। हम समाजवादियों की भावनाएं आहत हुई है। रेलवे के महाप्रबंधक से मिलकर के हम उनसे मांग करेंगे कि हर हाल में जिसने भी ये काम किया है, कुंठित मानसिकता से जिसने काम किया है, द्वेष भावना से जिसने काम किया है, उसके खिलाफ विभागीय हर हाल में कार्रवाई किया जाए। ये हमें सूचना मिली कि आज यहाँ रेलवे अस्पताल परिसर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा, जो हम सब का आन बान और शान है, जिसकी पहचान ही संघर्षों की रही है, उस समाजवादी इतिहास को कलंकित करने का जो प्रयास किया गया है और जिस तरह का कृत्य किया गया है यहाँ पर, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, निश्चित रूप से जिस तरह का हमारे झंडे का अपमान किया गया, हमारी पार्टी का अपमान किया गया है, उसकी आवाज़ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो प्रतिनिधिमंडल अभी जीएम साहब से मिलने गया है, अगर इसके ध्वस्त करने की कार्रवाई तत्काल नहीं की जाती है तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बात होगी।